सरकार एक ओर तो गांव-गांव में विकास की बात करती है, परंतु जब गांव में जाएंगे तो वहां की स्थिति सरकार के दावों की पोल खोल रही है। हम इस वक्त लातेहार के सरैडी गांव में उपस्थित हैं। यह गांव पूरी तरह आदिवासी बहुल गांव है, परंतु इस गांव में आज तक एक सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। यहां के ग्रामीण सड़क के लिए तरसते हैं। वर्तमान में यहां के ग्रामीण खुद अपने पास से चंदा किए और मोरम खरीदकर श्रम दान करके सड़क का निर्माण कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार ग्रामीणों के द्वारा श्रम दान किया जा रहा है और सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि उनके द्वारा कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से गुहार लगाई गई, परंतु कोई भी उनकी बात को सुनने को तैयार नहीं था। सिर्फ आश्वासन देकर उन्हें टहलाया जाता है। हमारे साथ कुछ ग्रामीण भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि आखिर उनकी समस्या क्या है और आखिर श्रमदान की जरूरत उनको क्यों पड़ गई। मेरा गाँव इचाग है, ये टोला सरैडी है। सरैडी में लातेहर प्रखंड से सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पर ही बीच रह गए गाँव है सरैडी। ये गांव ऐसा स्थित है जहां पर बरसात के मौसम में अगर किसी तरह के कोई मरीज अगर बीमार हो जाता है तो आवागमन का कोई सुविधा नहीं। मजदूरों ने अपना हित के लिए, आने वाला भविष्य के लिए उसके ध्यान में रख कर के काम कर रहे हैं, लेकिन बीच में कुछ ऐसे लोग हैं, चाहे 10 फीट हो चाहे 20 फीट हो, उसमें किसी न किसी तरह का व्यवधान खड़ा कर रहा है। क्या समस्या है अभी तो देखिए रहे हैं, हम लोग तो अपना चंदा करके रोड वोड के किसी तरह के आने जाने के लिए रास्ता बना ही रहे हैं। अपना से चंदा करके 1000 चंदा लगा कर मुरम भी गिरवाए हैं। एक बार तो पहले भी रोड बना चुके हैं, मिट्टी डाल चुके हैं, अभी तो इस तरह के अभी मुरम डाल के अभी किसी तरह रिपेयरिंग कर भी हम तो दिक्कत होता है। यहाँ रोड नहीं है तो लड़की भी नहीं देता है, आता है बस चला जाता है। इधर ढोड़ा है, नदी है, यहाँ रास्ता है ये नहीं है, रोड है ये नहीं है, बोलता है कि यहाँ रोड है ये नहीं है तो लड़की नहीं। बहुत दिक्कत है, हम लोग का बीमार शीमार होते हैं तो बड़ी दिक्कत होता है, खटिया उटिया में लेना पड़ता है मरीज आदमी को, इसीलिए और बरसात में बड़ी कादो उदो होता है, रास्ता भी नहीं है तो रोड हम लोग को चाहिए। सरकार जिस प्रकार गाँव के विकास की योजनाएं बनाती है उसी प्रकार यदि उसे धरातल पर उतारा जाए तो ग्रामीणों को इसका सीधा लाभ मिल पाएगा। राजीव कुमार, ईटीवी भारत, लातेहार।